हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे राष्ट्र की सेवा में परमाणु यानी कि बार्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीआरसी का फॉर्म आपने भरा होगा वर्क असिस्टेंट का, और उसका जो है आप सभी को अगर आपने अपना मेल आईडी चेक किया होगा तो दो दिन पहले से ही जो है उन्होंने मेल भेज दिया है कि आपका स्क्रीन आउट हुआ है या नहीं हुआ है, आप उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। 74 टोटल पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, क्या सिलेबस होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने आपको राइट करने हैं, कितना आपका निगेटिव मार्किंग कटेगा, हम पूरी डिटेल आपको आज इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, हम इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और साथ ही दोस्तों, हम आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बस करना होगा, आपको हमें मेल करना होगा अपना स्टडी के बारे में कि आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं, हम उसका पूरा आपको पीडीएफ फाइल वगैरह जो भी है हम सब कुछ आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे बार्क वर्क असिस्टेंट सिलेबस है, ये 2019 पीडीएफ ग्रुप सी एग्जाम पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, हम पहले पैटर्न पे बात करेंगे कि कैसे इसका एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का होता है। उससे पहले देख लीजिए इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन कि ऑर्गेनाइजेशन नेम है इसका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, पोस्ट का नाम है आपका वर्क असिस्टेंट ग्रुप सी। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 74 कैटेगरी होगा आपका एग्जाम सिलेबस का। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, यहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद होगा एडवांस टेस्ट, यानी कि यहाँ पे दो टेस्ट होंगे आपको, और पहला टेस्ट होगा प्रीलिमिनरी और दूसरा होगा एडवांस टेस्ट। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये नवी मुंबई में है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में है ये नवी मुंबई। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं brc.gov.in। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तो हो गई, अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीआरसी वर्क असिस्टेंट ग्रुप सी प्रीलिमिनरी टेस्ट पैटर्न 2019। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके मार्क्स होंगे आपको 60, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटू 3 किया गया, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका, और निगेटिव मार्किंग होंगी 1। जी हाँ दोस्तों, आपने एक गलत किया तो आपका एक मार्क्स कट जाएगा। बात करें अब साइंस की, तो साइंस से आपको आएंगे 20 क्वेश्चन, उसके भी आपको मिलेंगे 60 नंबर। जी हाँ दोस्तों, यानी यहाँ पर भी 3 मार्क्स मिल रहे हैं। अब आगा 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस, यानी 30 नंबर इसमें हो जाएंगे, और टोटल आपका इस प्रकार हो जा रहा है 150 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 150 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा आपको, जिसमें सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और आपको समय मिलेगा 1 घंटे का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको लगभग 1 मिनट से ज़्यादा जो है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन है और आपके पास 60 मिनट है, यानी पर मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होगा, और हर क्वेश्चन को आपको मिलेंगे 3 मन नंबर। निगेटिव की बात बता दिया हूँ दोस्तों मैंने आपको, कि जितना आप गलत करेंगे यानी 1 नंबर आपका माइनस होते जाएगा। आपने 2 सही किया तो आपको हो गए 6 नंबर, और उसमें से बाद तीसरा अगर आपने गलत किया तो आपके नंबर हो गए 5, यानी कि जितना सही करेंगे आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, और जितना गलत करेंगे उसमें माइनस करना होगा आपको 1 से। इसी प्रकार आपका जो है टोटल लिस्ट बनेगी। टाइम ड्यूरेशन आपको मैंने बता दिया है, आप देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ वो भी दिया हुआ, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। कैंडिडेट स्कोरिंग 40% इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट फॉर रिजर्व कैंडिडेट, द लोवेस्ट कट ऑफ विल नॉट बी फिक्स्ड बिलो 30%, यानी कि कट ऑफ में आने के लिए आपको 40% मार्क्स तो लाने होंगे, उससे नीचे आप नहीं आ सकते जर्नल वालों के लिए, उसके नीचे आपको लेंगे ही नहीं वो। और जेके कैटेगरी में जिनका है उनको भी 30% मार्क्स लाना होगा, और उसके नीचे अगर आप लाते हैं तो आपको जो है कंडक्ट नहीं किया जाएगा सेकंड के लिए, यानी सेकंड जो एडवांस टेस्ट होना है उसके लिए। हाउएवर द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज 1 बट विल नॉट बी एक्सीडेड 4-5 times द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि आपको मार्क्स अच्छे लाने होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ देखिए 4 से 5 गुना से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके सीट हैं, आपका टोटल सीट कितनी है आपकी 74 है। अब इसमें आप अगर 5 गुना कर लेते हो 7×5 35 हो जाएगा 350, यानी आप 360 से ज़्यादा बच्चे को इसमें नहीं बुलाया जाएगा, यानी 360 लोगों के बीच में आपको आना है। उसके लिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं बार्क असिस्टेंट का जो एडवांस टेस्ट होगा, यानी ये स्टेज 2 है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी पहला बताया था, अभी स्टेज 2 की बात कर रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे भी मैथमेटिक्स है, साइंस है, जनरल अवेयरनेस है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट इंक्लूड और हो रहा है, वो है आपका बेसिक इंग्लिश, यानी कि आपको यहाँ पे इंग्लिश का भी एग्जाम देना होगा वो एडवांस टेस्ट में। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे 45 नंबर, यानी कि हो गए आपके फिर से 3। जी हाँ दोस्तों, 1 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे।
नंबर दो पे आ जाते हैं साइंस, तो साइंस में भी यहाँ पे 15 है, यहाँ पे मिलेंगे आपको 45 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस भी वहाँ था, यहाँ पर भी है 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहाँ पे इंग्लिश में आपको यहाँ पे 10 नंबर दिया गया है और जिसको मिलेंगे आपको 30 मार्क्स। तो टोटल आपके हो गए 150 नंबर और आपको समय मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देख लीजिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन तो आपको दिया था पहले वाले पैटर्न में भी, लेकिन यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे समय दुगना है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 2 मिनट का समय मिलेगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत ही अच्छा चांस है आपको, क्योंकि एडवांस टेस्ट में आपको समय ज़्यादा दिया जा रहा है, अच्छा समय दिया जाएगा। टाइप फॉर एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। आप जानते हैं इसके इंपॉर्टेंस को, कि इस एडवांस टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन टेस्ट 2। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए जिस चीज़ के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला था वो ये, कि आप जो प्रिलिमिनरी देंगे उससे से तो आप सिर्फ ये करेंगे कि आप सेकेंड स्टेज के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेज, यानी कि जो 120 मिनट में आपको मिल रहे हैं और 50 क्वेश्चन, वही आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। आप जितना नंबर स्कोरिंग कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम हमारे बार्क असिस्टेंट का, जो आपका हो रहा है वर्क असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में। तो देख ही सकते हैं मैथमेटिक्स में आपको सिंपल क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडेक्सेस, शर्ट्स, मेंशुरेशन, परसेंटेज, एरियाज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंस, ऑड ऑन इवन, नंबर्स, एजेस, पाइप्स, क्रिस्टन्स, टाइम वर्क, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा दोस्तों, ये आपके मैथमेटिक्स में आने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगले साइंस के बारे में। तो देखिए नेचर, प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनोमैग्नेटिक कंपाउंड्स, बायोएनर्जेटिक केमिस्ट्री, पॉलीनोमर्स, इलेक्ट्रोमेकेमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल मेथड्स, पीजन पेस्ट्रीज, ये सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। आपको केमिस्ट्री पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। बात करें जनरल अवेयरनेस में, तो आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना होगा, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी, आईटी एंड स्पेस एक्सेट्रा, इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें आपके जो हैं पैटर्न्स में आ रही है। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश आपको जो है अलग से पूछा जाएगा स्टेज 2 में। तो यहाँ पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम्स, फेरेज, स्पेक्युलेबरी, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी टोटली आपको ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, आपको ग्रामर जितना अच्छा आता है आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको उसका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और जो कुछ भी आपको मैंने बताया वो समझ में आया गया होगा। बट कुछ डाउट्स अगर आपको लगता है कि अभी भी क्लियर नहीं हुए, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी सारी क्वेरीज हमसे वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, नई अपडेट के साथ।